बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गुजराती ठग कहने वाले मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा किया गया था, इस मामले में तेजस्वी यादव को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सत्ता से अब बाहर हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिख रही थी। लेकिन इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा चल रहा था उसे बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आप खुद रहे हैं, तेजस्वी यादव को बड़ी राहत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिली है। देखिए, ये जो पूरा मामला है, विधानसभा के परिसर में ही पिछले साल तेजस्वी यादव ने मेहुल चौकसी पर से रेड कॉर्नर नोटिस हटाने को लेकर गुजराती ठग कहने वाले बयान में मुश्किलें उनकी बड़ी, मुकदमा दर्ज हुआ गुजरात में, मानहानि के मुकदमा दर्ज कराए गए। हरेश मेहता नाम के एक व्यापारी ने तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज कराया और इसके बाद साफ तौर पर पूरी प्लानिंग थी कि तेजस्वी यादव की सदस्यता विधानसभा की खत्म हो और इसके लिए इस मामले में सजा होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से हुआ, गुजरात की कोर्ट नहीं राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाया 2 साल का, और उस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता तब चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया राहुल ने और तेजस्वी ने भी इस मामले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी। गुजराती ठग कहने वाले मामले में तेजस्वी यादव को इस वक्त बड़ी राहत मिली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की याचिका को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया है, इसलिए इस याचिका को रद्द किया जाता है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में गुजरातियों को ठग बताया था। देखिए, न्यायमूर्ति AS ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी और कहा है कि उन्होंने अपना बयान तो वापस ले लिया है। पीठ ने कहा कि हमने शिकायत खारिज कर दी है। देखिए, शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को वापस लेने का आदेश देते हुए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपनी गुजरात ठग वाली टिप्पणी वापस ले ली थी। शीर्ष अदालत ने RJD नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और गुजरात निवासी हरेश मेहता को नोटिस जारी किया था। गुजरात के हरेश मेहता नाम के शख्स ने ही अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दायर की थी। गुजरात की अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता के द्वारा दायर याचिका पर उन्हें समन भेजा था। शिकायत के अनुसार तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था, वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर हरेश मेहता ने दावा किया कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है और हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मानहानि की याचिका को रद्द कर तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत दी है। आपको मालूम है, तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद बन चुके हैं, लेकिन इस बीच गुजराती ठग वाले मामले में तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।